हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है आज है 22 दिसंबर और जैसा मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, तो ये कुछ अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं आज होगा साल का सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात, रातें सबसे लंबी होंगी, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। आज यानी 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। इस बार 10 घंटे 41 मिनट का दिन होगा। देखिए दिन कितना छोटा है, 10 घंटे 41 मिनट का दिन है और रात इसी के एवज में आप देख सकते हैं कि 24 घंटों में जो रिमेनिंग है और कुल 13 घंटे 19 मिनट की क्या होगी, 13 घंटे 19 मिनट की रात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस दिन सूर्य अपने निर्धारित समय से पहले अस्त हो जाएगा या खगोलीय घटना सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होगी। भाई इंडिया, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो ये इंडिया में स्थिति घटित होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देश में सबसे इसके विपरीत होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और इस दिन 22 दिसंबर को सूरज कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है। इस दिन से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ जाती है और मैदानी इलाकों में ठंड अधिक होने लगती है। साथ ही जहां धरती झुके हुए अक्ष पर घूमती है, इसकी वजह से साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ये रीजन है इसके छोटे दिन होने के। अब यहाँ पर लोग वेकेशन में जाएंगे और बर्फबारी का एंजॉय करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, 10 घंटे 41 मिनट का दिन जबकि 13 घंटे 19 मिनट की रात होगी। ये खगोलीय घटना हर साल होती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, 23.2 डिग्री झुकी हुई है और इसी वजह से कभी सूरज ऊपर होता है कभी नीचे। सूरज की तिरछी रोशनी पड़ने से पृथ्वी कम गर्म होती है और इसी वजह से ठंड बढ़ने लगती है। ठीक है, इन देशों में होता है बड़ा दिन। अगर हम बात करें कौन कौन देश में आज बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध के देशों में, तो विंटर साल्टिस के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ती है और इस वजह से उत्तर में रात लंबी होती है और दिन छोटा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सबसे ज्यादा देर तक रहता है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये काफी एक बड़ी अपडेट और एक प्रकार की भौगोलिक घटना, खगोलीय घटना जो आपके लिए जानने के लिए आवश्यक थी कि किस तरीके से 22 दिसंबर को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और रात सबसे बड़ी होती है। तो ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्स के लिए, अलग अलग जानकारियों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सभी शिक्षक भर्ती तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप सभी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।